नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताऊंगी, जिसे हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है और आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। दोस्तों, डायबिटीज का नाम सुनते ही हम सभी घबरा जाते हैं, और घबराए भी क्यों ना, क्योंकि डायबिटीज है ही ऐसी बीमारी। इसे जड़ से खत्म करने की कोई भी अभी तक दवाई ढूंढी नहीं गई है, इसलिए थोड़ी बहुत घबराहट तो रहती है। तो दोस्तों, इसमें व्यक्ति को खुद ही अपनी सेहत का ध्यान रख के डायबिटीज को कंट्रोल में रखना पड़ता है। थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, पर व्यक्ति को योगासन के द्वारा, अपने खाने पर नियंत्रण के द्वारा और अपनी लाइफस्टाइल को सुधार के अपनी डायबिटीज पे, यानी कि अपनी शुगर पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज के लक्षण के बारे में बताऊंगी और डायबिटीज हो ही ना, यानी कि डायबिटीज से बचने के तरीके कौन कौन से हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने से पहले जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको डायबिटीज के लक्षणों के बारे में बता देती हूँ, यानी कि अगर आपको डायबिटीज होता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स, यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा लक्षण है यूरिन में शुगर का पास होना, यानी कि पेशाब में शर्करा जो होती है हमारे शरीर में, ब्लड शुगर जो होता है उसका पास होना, ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। लेकिन व्यक्ति को, यानी कि पेशेंट को, शुरुआती लक्षणों में पता नहीं चलता है और दिन ब दिन उसकी जो बॉडी है, जो शरीर है उसका, उसमें कमजोरी आती जाती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि आखिर उसे कमजोरी क्यों होती जा रही है। तो आखिर में जब वो डॉक्टर के पास जाता है और कई ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं, तो उसमें व्यक्ति को पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज हो चुका है। तो दोस्तों, शुरुआत में इसके लक्षणों का पता नहीं चलता है। दूसरा देखें तो इसके लक्षणों में पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और ये कितना भी पानी पी लें लेकिन इनकी प्यास जल्दी बुझती नहीं है। तीसरा, इनके पूरे शरीर में चींटियों ने काटा हो ऐसी चुभन जैसी फील होता है, या फिर नमनेस जैसा फील होता है, यानी कि चींटियां काट रही हो ऐसा आपको फील होगा। दूसरा देखें तो आपको पूरे शरीर में खुजली आएगी। अगर डायबिटीज बढ़ जाता है तो आपको पूरे शरीर में खुजली जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, आप कोई भी काम करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। नेक्स्ट देखें तो आपकी जो नज़र है, यानी कि आपकी जो दृष्टि है, वो कम हो जाएगी, यानी कि आपको कम दिखने लगेगा। और लास्ट में मैं आपको बता दूं तो इसमें व्यक्ति को बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, यानी कि यूरिन बहुत ज़्यादा पास होता है। तो ये थे डायबिटीज़ के लक्षण। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको डायबिटीज़ हो ही ना, यानी कि डायबिटीज़ से बचने के उपाय कौन कौन से हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज संभव नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को अपनी खान पान पर नियंत्रण रख के और अपनी लाइफस्टाइल सुधार के और प्राणायाम, योगासन, ये सभी चीज़ें करके, कसरत करके अपनी जो जीवन शैली है वो अच्छी बनानी पड़ती है। यानी कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, यानी कि हेल्दी पर्सन है, वो अगर अच्छी तरह अपने खान पान में ध्यान देता है, कसरत करता है, योगासन करता है, प्राणायाम करता है, तो उसे डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो इसके उपाय में सबसे पहला उपाय यही है कि आप सुबह शाम कम से कम 1 किलोमीटर जितना वॉकिंग ज़रूर करें, या फिर आपका शरीर की, जो आपके शरीर की क्षमता है, अगर आप ज़्यादा चल सकते हैं
ज़्यादा वॉक कर सकते हैं तो आप ज़रूर वॉक करें। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो भी आपको वॉकिंग पे ज़रूर जाना चाहिए, उससे आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और जो डायबिटीज़ है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि जो पूरे दिन बैठा हुआ जीवन जीते हैं, योगासन प्राणायाम नहीं करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी पूरे सुबह शाम वॉक पे जाता है या फिर कसरत करता है तो वो डायबिटीज़ से ज़रूर बच सकता है। दूसरा है खाना, यानी कि भोजन। तो मौसम के अनुसार आपको भोजन खाना चाहिए या फिर अपनी पाचन शक्ति के अनुसार भोजन करें। आप ज़्यादा भी ना खाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा ना खाएं कि आप पचा ना सकें, और बहुत कम भी ना खाएं। तो अपनी पाचन शक्ति के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। और जो ज़्यादा मीठे पदार्थ है या फिर ज़्यादा तले हुए पदार्थ है उनका सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। दूसरा देखें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी पचती नहीं हैं, जैसे कि उड़द की दाल है, घी है, खीर, मलाई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी पच नहीं पाती है, तो उनका कम सेवन करें। नेक्स्ट देखें तो आप जो खाना खा रहे हैं वो एक ही समय पर खाएं, यानी कि आज आपने दोपहर का खाना दोपहर में 1 बजे खाया है तो कल भी दोपहर में 1 बजे ही खाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो पाचन शक्ति है वो भी अच्छी रहेगी और आपकी जीवन शैली भी अच्छी होगी। नेक्स्ट देखें तो मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का सेवन करें। अगर ठंड के मौसम में कुछ ऐसे फल आते हैं तो वही फल का सेवन करें। सब्जियां कुछ ऐसी है जो उसी मौसम में आती है तो उन सब्जियों का सेवन करें। दूसरा देखें तो पानी जो है आप स्वच्छ पानी पिए, और तांबे के बर्तन में अगर रखा हुआ आप पानी पीते हैं तो उससे आपको बहुत ही लाभ होता है। नेक्स्ट देखें तो जिनकी उम्र 40 से 50 वर्ष के बीच में है या फिर 50 से ऊपर हो चुकी है तो उन्हें कुछ दिनों में ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। तो उसमें क्या है कि ब्लड शुगर का पता चल जाता है। नेक्स्ट देखें तो गर्भ निरोधक गोलियां, हार्मोनल पिल्स और पेन किलर्स जो है उनका बहुत ही कम इस्तेमाल करें। नेक्स्ट बताऊं तो नशीले जो पदार्थ है, यानी कि जो स्मोकिंग है, सिगरेट्स है, इन सब का सेवन आपको कम करना चाहिए। नेक्स्ट बताऊं तो आपको मेथी, पालक, ग्वार की फली और करेले का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए, यानी कि उसका ज़्यादा सेवन करना चाहिए, उससे आपको ब्लड शुगर कंट्रोल होने में बहुत ही मदद मिलती है। नेक्स्ट देखें तो दिन में देर तक सोना और रात को देर तक जगना, ये दोनों बिल्कुल मत करें, और निश्चित समय पर सोएं और निश्चित समय पर सुबह में उठें। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको डायबिटीज़ हो चुका है, यानी कि आपको शुगर की बीमारी हो चुकी है, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें और समय समय पर डॉक्टर के पास जाके अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। धन्यवाद।